चतरा जिले के कई क्षेत्रों में लहरा रही है पोस्ते की फसल। चतरा जिले के कई क्षेत्रों में पोस्ते की फसल लहरा रही है। पोस्ता के लाल व सफेद फूल से पूरा क्षेत्र पटा हुआ है। सफेद जहर की खेती की गई है। जिले के कुंदा, प्रतापपुर, राजपुर, हंटरगंज, वशिष्ठ नगर, टंडवा, सिमरिया व सदर थाना क्षेत्र के कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पोस्ता की फसल लहरा रही है। एक ओर जहां पुलिस व वन विभाग लगातार अभियान चलाकर पोस्ता नष्ट करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आज भी कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पोस्ता लहरा रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस पोस्ता नष्ट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, यही वजह है कि क्षेत्र में पोस्ता लहरा रहा है। पिछले वर्ष से अधिक पोस्ता लगाया गया है। पोस्ता की खेती वन भूमि पर की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नदी के किनारे पोस्ता की खेती की गई है। नक्सलियों के साठ गांठ से इस बार अधिक खेती की गई है। क्षेत्र अफीम माफिया सक्रिय है। हर वर्ष पोस्ता से अफीम निकाला जाता है, करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। दूसरे राज्य के तस्कर अफीम की खरीदारी करते हैं। बाहरी व स्थानीय तस्कर ग्रामीणों को पैसे की लालच देकर पोस्ता की खेती कराते हैं, जिससे तस्कर लाखों रुपए की आमदनी करते हैं। तस्करों द्वारा ग्रामीणों को पोस्ता की खेती करने के लिए सभी सामान उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, बंगाल के तस्कर सक्रिय हैं। मालूम हो कि अक्टूबर महीने से ही जिला व पुलिस प्रशासन वन विभाग द्वारा पोस्ते की खेती पर रोक लगाने को लेकर रणनीति बनाई गई थी। लगातार क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को पोस्ता की खेती नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इसके बावजूद इस बार बड़े पैमाने पर पोस्ता की खेती की गई है। पोस्ता से अफीम निकालने का कार्य शुरू। पोस्ता की फल से चीरा लगाकर अफीम निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पोस्ता से अफीम निकालने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया है। सुबह शाम पोस्ता के फल में चीरा लगाकर अफीम निकाला जा रहा है। कई जगहों पर पोस्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। अफीम के कारोबार कर बने हैं लखपति। अफीम का कारोबार कर जिले के कई लोग लखपति बन चुके हैं। लाखों रुपए बैंक बैलेंस, पक्का मकान, वाहन की खरीदारी की है। क्षेत्र में समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च कर समाजसेवी बने हुए हैं, ताकि पुलिस उन्हें परेशान न करे। पांच वर्ष पूर्व तक गरीबी जीवन व्यतीत करने वाले आज लखपति बन गए हैं। एसपी राकेश रंजन ने कहा कि जिले में लगातार पोस्ता नष्ट अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1000 एकड़ में लगी पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया है। जब तक पूरी तरह पोस्ता की खेती नष्ट नहीं हो जाती, अभियान जारी रहेगा। जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा। पोस्ता की खेती करने वालों, इस बार कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी।